हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से एसोसिएटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे आज के लेक्चर में क्लियर होंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट और उससे रिलेटेड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं सॉलिड्स की। तो देखें पहले पॉइंट, एज यू नो दैट के सॉलिड्स दे हैव अ डेफिनेट शेप। As well as definite volume. The reason is simple because in solid particles have only translatory motion, not the translatory but the vibratory motion, and particles are not moving from one place to another. That's why their shape remains constant. उनकी जो shape होती हैं solids की वो fixed रहती हैं। और solid का volume भी जो है वो fixed है, उसकी basic reason यही है कि particles जो होते हैं वो tightly packed होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए second point हम ये भी लिख लेते हैं कि particles आर टाइटली पैक्ड विथ नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी किस्म की कोई भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो नहीं होती। इसकी बेसिक रीजन ये है क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन जो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लिक्विड गैसेस और सॉलिड इन तीनों को कंपेयर किया हुआ है रिगार्डिंग टू देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रिगार्डिंग टू देयर काइनेटिक एनर्जी, इवन रिगार्डिंग टू देयर डेंसिटीज। यू नो दिस पॉइंट। सॉलिड से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर, या आप यूँ लिख सकते हैं कि सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। दैट मींस कि आप किसी भी सॉलिड को फोर्स लगाएं और उसका वॉल्यूम को, उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी भी रीजन सिंपल है, बिकॉज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, दैट्स व्हाई पार्टिकल कैन नॉट बी ब्रिंग मच क्लोजर देन द बिफोर। यानी मॉलिक्यूल ऑलरेडी बिफोर, मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी अगर क्लोजेस्ट पोजिशन पे हैं, मॉलिक्यूल के बीच में गैप कोई भी नहीं है, तो उसको फर्दर क्लोज करें ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेशर बढ़ा के वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर बस जिद, अगर आप किसी सॉलिड को फोर्स लगाएं, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई तब्दीली हो, तो यस, एक पॉसिबल चेंज जो है वो प्रेशर अप्लाई करने से हो सकती है, और इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफॉर्मिटी। ठीक है, तो सॉलिड में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि फॉर्म चेंज होता है सॉलिड, जो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है, उसकी जो शेप है, एक्सटर्नल जो उसकी अपीयरेंस है, उसमें चेंज आती है। डिफॉर्मिटी का जो वे है वो चार ऑप्शंस में डिसाइड कर सकते हैं, या चार ऑप्शन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिफॉर्मिटी का पहला ऑप्शन, डिफॉर्मिटी में जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रिटिलिटी। ब्रिटिलिटी का मतलब है ब्रेकडाउन इनटू पीसेस। यानी किसी भी सॉलिड को फोर्स लगाएं तो ऐसी सूरत में वो सॉलिड कंप्रेस होने के बजाय वो टूट जाए, बिखर जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड ब्रिटिलिटी। जैसे ग्लास है, ठीक है, जैसे कि शुगर है, साल्ट है, कॉपर सल्फेट है, जितने आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये सब के सब जो हैं ये ब्रिटिल हैं। मतलब फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, डिफॉर्मिटी का एक और ऑप्शन भी है, नंबर टू, दिस इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, कुछ सॉलिड्स ब्रिटल होते हैं पर स्टिल देर आर सम सॉलिड्स विच आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि दे कैन बी स्प्रेड इनटू शीट, यानी इनके स्प्रेड होने के पीछे जो रीजन है वो फोर्स है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी भी मेटलिक रॉड को अगर हम हैमर करें और उसको कंटिन्यूसली उसके ऊपर हथौड़ा मारते जाएं, हैमर करते जाएं, तो आप जानते हैं कि मेटल की जो रॉड होती है वो स्प्रेड होने जाएगी। इस एबिलिटी को कि जिससे कोई भी सॉलिड फोर्स लगाने से, प्रेशराइज करने से वो स्प्रेड हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, एंड ओनली मेटल्स जो होते हैं वही मेलिएबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा सॉलिड नहीं है जिसको फोर्स लगाएं और वो स्प्रेड हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिफॉर्मिटी का एक और ऑप्शन भी है, नाउ दिस इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी जो है ये भी सिर्फ मेटल्स में पाई जाती है, और डक्टिलिटी का मतलब है कि ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी जिसको हम
खींच के इसको स्ट्रेच करके हम उसकी वायर बना सकें, एक थिन जो थ्रेड फॉर्म मिला सकें. दिस एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू बी कन्वर्टेड, नाउ दिस इज सिंपल कॉल्ड द डक्टिलिटी. तो डक्टिलिटी में आप देख सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसकी डक्ट बनाई जाती हैं, पाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, और मेटल जो होते हैं उसको स्ट्रेच करके उसकी जो है आप क्या कह सकते हैं उसकी वायर बनाई जा सकती है. जैसे इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं वो भी इसी फिनोमेना से बनाई जाती हैं. तो डक्टिलिटी दैट मीन्स के ड्रॉन इन टू वायर, दिस इज द एबिलिटी इन द मेटल्स. तो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में पाई जाती हैं, इसके अलावा किसी भी सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ठीक है. नंबर फोर पे जो है वो है इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी जो है इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगाएं तो वो अपनी शेप को चेंज कर देगा, लेकिन जैसे ही उस फोर्स को लिफ्ट करें, फोर्स को वहां से हटाएं, तो वो जो सॉलिड होगा वो अपनी शेप को रीगेन कर लेगा. इस किस्म की प्रॉपर्टी जिसमें फोर्स लगाई गई, शेप चेंज, फोर्स हटाई गई, शेप रीगेन हो जाए, नाउ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिंपली कॉल इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी का मतलब है कि फोर्स अगर अप्लाई की गई है तो फिर डी शेप हो जाएगा, कोई भी सॉलिड डी शेप हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर यही फोर्स जो है, फोर्स अगर लिफ्ट की जाए तो फिर वो रीशेप हो जाएगा. इस किस्म की एबिलिटी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी. मुख्तलिफ जो मटेरियल है हमारे इर्द गिर्द में वो इलास्टिक नेचर के हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, इट इज़ अ लिटिल बिट इलास्टिक इन नेचर. रबर जो होती है उसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है. मेटल शीट्स होती हैं वो भी लिटिल बिट इलास्टिक होती हैं. जैसे आप घी के कैन होते हैं उसको भी आप देख सकते हैं, या कोई भी मेटल की एक शीट है उसको भी आप थोड़ा मूव करेंगे तो भी वो फ्लेक्सिबल होती है. दैट सिंपली मीन कि वो इलास्टिक होती है, ठीक है. तो दिस पर्टिकुलर फेनोमेना इज फाउंड इन द सॉलिड एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड द डिफॉर्मिटी. तो डिफॉर्मिटी के चार ऑप्शन हैं, ब्रिटिलिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और लास्ट में क्या है, इलास्टिसिटी. कुछ और कॉमन प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो बाकी स्टेट्स में भी पाई जाती हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम वर्कआउट कर लेते हैं. जैसे कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है, एक्सपेंड ऑन हीटिंग, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग. यानी कि हम किसी भी मैटर को, ये तो फिलहाल हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, हम कोई भी स्टेट ले सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड, व्हाटएवर, ठीक है, किसी भी स्टेट को अगर हम हीट करते हैं तो आप सब जानते हैं कि वो एक्सपेंड होती है, और उसको कूल करेंगे तो आप ये भी जानते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है. इसके पीछे सिंपल जो साइंस है वो ये है कि भाई अगर हम किसी भी मटीरियल को अगर हम हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई वेलोसिटी से, या आप कह सकते हैं कि हाई मैग्नीट्यूड से वो वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के लिए स्पेस चाहिए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपेंशन, ठीक है. अगर इसके रिवर्स में जाएं, टेम्परेचर कम कर दें, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. पार्टिकल कम जो है मैग्नीट्यूड से अगर मूव करेंगे, वाइब्रेशनल मोशन जो है उसका मैग्नीट्यूड जब कम होगा तो पार्टिकल जो होंगे दे विल बी मच क्लोजर टू ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सपेंशन, टेम्परेचर कम करेंगे तो सिंपली क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. तो ये है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, ठीक. अब आते हैं कि दुनिया में जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं. तो ब्रॉड वे से पहला पॉइंट मैं यहां पर ले रहा हूं कि दुनिया में जितने भी सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, इनको अगर हम कैटेगराइज करें तो वी कैन क्लासीफाई ऑल द नॉन सॉलिड्स इन द वर्ल्ड इन टू द टू बेसिक कैटेगरीज. नंबर वन, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमॉर्फस. एक है क्रिस्टलाइन और दूसरे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमॉर्फस. तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसमें हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एमॉर्फस सॉलिड. तो हम एक तरह से इनके कैरेक्टरिस्टिक को भी डिस्कस करेंगे और इन दोनों को आपस में कंपेयर भी करेंगे ताकि आपको डिफरेंस भी पता चलेगा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं इनका डिफरेंस क्या है. तो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड. तो एक टेबल वाइज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और सेकंड पे हम बात करेंगे एमॉर्फस, ठीक है. तो लेट्स बिगिन. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके लिए सबसे पहली पॉइंट तो ये कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन
सिस्टमेटिक, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि रेगुलर, सिस्टमेटिक या रेगुलर, या फिर आप कह सकते हैं थ्री डायमेंशनल, ठीक है, मैनर, ठीक है। पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो या तो आप उसको कह सकते हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, या आप उसको कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट है, या आप उसको कह सकते हैं कि क्या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। इवन एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं और वो है ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट। लेकिन अगर हम इसी बेसिक पॉइंट को अगर हम एमआरएफएस के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट सिस्टमेटिक है, यहां पर लिखेंगे नो, नो सिस्टमेटिक, असिस्टमेटिक यू कैन सिंपली से। रेगुलर हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे, इरेगुलर। अच्छा, यहां पर हमने लिखा थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है, यहां पर नॉन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी, यहां पर ऑर्डरली अरेंजमेंट है, यहां पर हम कहेंगे डिसऑर्डरली अरेंजमेंट है। व्हाट कैन हैव अरेंजमेंट, डिसऑर्डरली। एक और चीज जो इनको आप कह सकते हैं कि इनकी कंपैरिजन में हम ला सकते हैं वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जबकि एमआरएफएस सॉलिड जो होते हैं इनमें होता है शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दिस टू लाइन, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर एंड लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, लेट्स सी। अच्छा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि इनमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशनल होती है, रेगुलर होती है, ऑर्डरली होती है, सिस्टमेटिक भी होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स विल अरेंज इन द थ्री डायमेंशनल मैनर, 99.99% जो पार्टिकल्स होंगे उनकी अरेंजमेंट जो होगी वो सिस्टमेटिक होगी, ऑर्डरली होगी और थ्री डायमेंशनल होगी। हो सकता है कि कुछ दो चार पार्टिकल उनकी अरेंजमेंट थोड़ी सी रेगुलर हो, पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ डेफिनेट मैनर। लेकिन एमआरएफएस में लिखा है कि शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, इसका मतलब है कि एमआरएफएस सॉलिड में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल जो होंगे उनकी अरेंजमेंट डिसऑर्डरली होगी, पर उसके बावजूद भी एमआरएफएस सॉलिड में कुछ ऐसा पोर्शन हो सकता है जहां पर दो चार पार्टिकल सिस्टमेटिक ऑर्डर में या एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाई वी आर कॉलिंग के क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर एंड एमआरएफएस सॉलिड द पार्टिकल्स हैव अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर, ठीक। एक और पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी एक और खासियत यह भी है कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमआरएफएस सॉलिड जो होते हैं इनके लिए हम लिखते हैं कि दे हैव अ डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट। डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट को हम एक और सेंटेंस से कवर कर सकते हैं, वो यूं कि डिफ्यूज्ड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि दे मेल्ट एट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी एमआरएफएस सॉलिड जब मेल्ट हो रहे होंगे तो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहे होंगे, इनकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती। जरा देखते हैं कि मामला क्या है। एज आई टोल्ड यू शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती हैं। आप ये भी तो जानते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल होती है। अगर पार्टिकल की अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल होती है, रेगुलर होती है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जिस पैटर्न से अरेंज हैं, उन पार्टिकल के बीच का जो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जो भी है वो थ्रू आउट उसी एक्सिस पे सेम रहता है। अगर y एक्सिस पे पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस जो भी है थ्रू आउट दैट एक्सिस, वो जो डिस्टेंस होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो हर एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होगा अगर वो यूनिफॉर्म रहे तो उसका मतलब है कि पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन भी यूनिफॉर्म होगी। अगर पार्टिकल टू पार्टिकल अट्रैक्शन यूनिफॉर्म होंगी तो उन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो भी पर्टिकुलर चाहिए होगी। इस वजह से जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, बिकॉज एवरी पार्टिकल इज बीइंग सेपरेटेड एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो कोई भी सॉलिड जब एक फिक्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा होगा तो हम कहेंगे वो सॉलिड जो उसकी नेचर क्या है, क्रिस्टलाइन है। एंड रिमेंबर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन बाय देयर फिक्स्ड एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड क्रिस्टलाइन है या एमआरएफएस है, उसको पहचानने के लिए आप उसकी मेल्टिंग पॉइंट का सहारा ले सकते हो। अगर सॉलिड के मेल्ट होने के दौरान टेम्परेचर फिक्स है, समझ जाओ कि क्रिस्टलाइन है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है।
लेकिन अगर किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो और मेल्ट करने के दौरान टेम्परेचर चेंज हो रहा हो तो समझ आओ कि वो सॉलिड एमॉर्फस है। क्यों? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती, वो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, जस्ट लाइक ग्लास, शीशा। ग्लास जो एमॉर्फस सॉलिड एवरीबॉडी नोज। अब ग्लास जो होता है इट स्टार्ट मेल्टिंग फ्रॉम 1100 डिग्री सेल्सियस एंड कंटिन्यूस टू मेल्ट टिल द टेम्परेचर रीचेस टू 1400। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्लास की एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1100 है या 1400 है। वो मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होता रहता है। उसकी वजह सिंपल है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंसेस जो भी हैं यूनिफॉर्म है। एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उसमें कहीं कहीं पार्टिकल बहुत क्लोज में होते हैं और कहीं कहीं पार्टिकल बहुत फार होते हैं। जो पार्टिकल बहुत दूर होते हैं उनको अलग करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, और जहां पार्टिकल बहुत क्लोज में होते हैं उस जगह के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो कुछ हिस्सा पहले मेल्ट हो रहा होता है, कुछ हिस्सा बाद में मेल्ट हो रहा होता है। तो आई थिंक ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। वेल, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनकी है मेल्टिंग पॉइंट 4, और जो एमॉर्फस सॉलिड है उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिफ्यूज। कुछ और भी पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, जैसे कि एक पॉइंट मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक, ठीक, और जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। अब देखना यह है कि एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब आते हैं कि इस पॉइंट को समझें कैसे। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का डायरेक्शन चेंज करें तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी उसकी मेजरमेंट जो होगी, या उसकी मेजरमेंट से जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, वो चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज, प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड चेंज। दैट मीन्स कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन डिपेंडेंट है वो एनआइसोट्रॉपी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि जो ग्रेफाइट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द लेयर्स। ग्रेफाइट जो होता है उसकी लेयर्स होती हैं जो कि आपस में वैन डेर वाल फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ग्रेफाइट की जो लेयर्स होती हैं विद इन द लेयर जितने भी कार्बन होते हैं हर कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट के अंदर आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से हर कार्बन तीन और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। फोर्थ वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज अनसेटिस्फाइड, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्डेड शामिल नहीं होता, और यही वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है जो विद इन द लेयर मूव करता रहता है। तो ग्रेफाइट जो है उसको अगर हम जो है पैरेलल टू द लेयर अगर हम करंट पास करने की कोशिश करें तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलरली टू द लेयर अगर आप करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। उसकी वजह, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर विद इन द लेयर, पर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन लेयर टू अनदर बिकॉज ऑफ द सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन द लेयर। इवन आपने पढ़ा होगा कि कार्बन की जो लेयर्स होती हैं इनके साथ ग्रेफाइट, इनके बीच में डिस्टेंस होता है 3.35 एंगस्ट्रॉम, और इवन आप ये भी जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वलेंट टू द 10^-10 मीटर या 10^8 जो सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज बिग इनफ कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, दैट्स वाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर इन द वन डायरेक्शन बट नॉट इन द अदर। तो ये कहना है मेरा कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सॉलिड जो है किसी भी प्रॉपर्टी को एक डायरेक्शन में शो करे लेकिन दूसरे डायरेक्शन में शो ना करे। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है, दूसरे डायरेक्शन में जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, उसमें फर्क होता है। हम फ्यूचर में कुछ ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो एनआइसोट्रॉपिक के बजाय आइसोट्रॉपिक भी होती है। वो चीजें कुछ एनोमलस हैं, वो चीजें टॉपिक टू टॉपिक आपसे डिस्कस की जाएंगी। फिलहाल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एनआइसोट्रॉपी, ठीक। अब आते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, और आइसोट्रॉपी का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे गिलास है, गिलास एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब आप जानते हैं कि गिलास ट्रांसपेरेंट है, तो किसी भी गिलास की शीट को लेकर अगर आप एक डायरेक्शन से अगर आप लाइट पास करें तो हो जाएगी, अगर उसी लाइट को आप दूसरे डायरेक्शन से पास करेंगे तो भी हो जाएगी, बिकॉज ग्लास कैन कंडक्ट द लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ग्लास जो होता है उसमें से लाइट हर डायरेक्शन से पास हो सकती है। दैट मीन्स के डायरेक्शन यहाँ पर इश्यू नहीं है, डायरेक्शन कोई भी हो प्रॉपर्टी उसी मैग्नीट्यूड से ही मालूम होगी जो उसका एक्चुअल में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो आइसोट्रॉपिक है और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके बीच में ये भी है। एक और पॉइंट भी इनको जो सेपरेट करती है वो ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे आर सिमेट्रिकल, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, असिमेट्रिकल। ठीक है, और यहां पर जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्री। अब सिमेट्री को हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमेट्री का मतलब है कि रिपीटेशन ऑफ एंगल्स आर साइड्स, रिपीटेशन ऑफ एंगल्स आर साइड्स व्हेन अ सॉलिड इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री। जब भी हम किसी सॉलिड को 360 डिग्री पे रोटेट करें, उसको रोटेट करने से अगर बार बार एक जैसी एंगल रिपीट हो, बार बार एक जैसी साइड रिपीट हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड जो है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल को एक नए अंदाज से हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को दो इक्विवेलेंट हाफ में कट भी कर सकते हैं तो भी वो ऑब्जेक्ट जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ये थोड़ा सा चेंज है। इस बात को समझने के लिए फर्ज कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक क्यूब है, एक रफ इसके डायग्राम बना रहा हूं एक क्यूब की, तो इस क्यूब के थ्रू हम सीखेंगे इस सिमेट्री को। फर्ज करो कि अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानूं किसी भी सरफेस का, और इस पॉइंट पे अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री पे रोटेट करूं, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं 360 डिग्री पे अगर रोटेट करूंगा, तो आप जानते हैं कि जो साइड आपके फ्रंट में है इस ऑब्जेक्ट को जैसे ही रोटेट करूंगा तो जो साइड आपके फ्रंट में है अब ये साइड आपके सामने आएगी। तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल जो है उसकी डायमेंशन है, उसकी साइज, उसकी एंगल सबकी सब सेम है। दैट मीन्स कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट 360 डिग्री देयर विल बी अ रिपीटेशन ऑफ साइड। सच ऑब्जेक्ट्स आर सिंपली कॉल्ड द सिमेट्रिकल। पर एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल यह है कि अगर कोई भी एक रास्ते में गिरा पत्थर, जो कि बेसिकली आप जानते हैं कि पत्थर जो होता है वो एमॉर्फस है, अगर एक पत्थर मैं आपके सामने ला के खड़ा कर दूं और मैं उसको रोटेट करूं 360 डिग्री पे, तो आप जानते हैं कि किसी भी पत्थर को 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में वो किसी भी सूरत में कोई भी एंगल रिपीट नहीं होगी और कोई भी उसकी साइड रिपीट नहीं होगी। दैट सिंपली मीन के ऐसी चीज़ें जिसको 360 डिग्री पे रोटेट करने से रिपीटेशन इन एंगल, रिपीटेशन इन साइड्स अगर उसकी अकरेंस नहीं होती, तो सिंपली दीज सब्स्टेंसेस आर एमॉर्फस एंड दीज आर सिंपली कॉल्ड असिमेट्रिकल। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।